जय श्री खाटू श्याम। आज हम निकल रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए, लेकिन मैं ये कैब करके खाटू श्याम नहीं जा रही हूँ, मैं अपना रूम शिफ्ट करा रही हूँ। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि पहले वाले रूम में लाइटिंग अच्छी नहीं थी और लॉकर भी नहीं था। और आगे ये डिसीजन कितना सही साबित हुआ वो आपको पता चल ही जाएगा। असल में मैं जहाँ रुकी हुई थी वहाँ पे 800 रुपये रेंट था, लॉकर की कोई सुविधा भी नहीं थी, और अगर मुझे आने में लेट हो जाता और वहाँ रुकना पड़ता और जो भी सिचुएशंस आगे होने वाली है उसमें मुझे इसका भी रेंट देना पड़ता और मेरे ये पैसे पूरे पानी में चले जाते। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आगे देखिए ब्लॉग में, और चलिए एंजॉय करते हैं आज का सफ़र। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए खाटू श्याम। सिंधी कैंप में हो चुकी हूँ मैं। अभी मॉर्निंग में जल्दी उठी थी, लेकिन मैंने ब्लॉग करना इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि हम लोगों ने जो स्टे का मतलब मेरा कल का स्टे जहाँ था वो मैंने पहले चेंज किया। मैंने एक डॉर्मेट्री ली है और वहाँ पे उसकी भी फुटेज, उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लेकिन बाद में, क्योंकि अभी मुझे अर्जेंटली जल्दी से जल्दी निकलना था इसके लिए। सो हुआ ये था कि मुझे आज खाटू श्याम जाना है जैसे कि, तो वहाँ पे जहाँ पे मैं रुकी थी वहाँ पे लॉकर्स की कोई सुविधा नहीं थी, तो जो सामान था वो रखने के लिए मुझे अच्छी जगह चाहिए। मैं बस अपना सामान वामान रख के लॉक करके आ चुकी हूँ और अभी सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुँची हूँ। यहाँ से मुझे खाटू श्याम के लिए बस मिल जाएगी और फिर वहाँ पे जाके हम लोग दर्शन करेंगे। वापस आने के बाद फिर आराम से, जो बहुत प्यारा हॉस्टल है उसका मैं टूर देने का प्रयास करूँगी, और साथ में वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं, इंडियन बहुत कम है इस डॉर्मेट्री में। और ये बस स्टैंड से हम लोगों को सारे ऑलमोस्ट बसेस जहाँ भी ट्रैवल करना हो वहाँ भी मिल जाएंगे, प्लस डॉर्मेट्री के सामने एक पुलिस स्टेशन भी है तो एरिया भी काफ़ी सेफ लग रहा है मुझे। चलिए अभी देखते हैं आगे की जर्नी खाटू श्याम के लिए जयपुर से। ये सिंधी कैंप बस स्टैंड है, जयपुर से ऑलमोस्ट हर जगह की बस यहाँ से मिलती है क्योंकि ये मेन बस स्टैंड है। और ये जो ब्लू बसेस आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट की एक्चुअल बसेस है जिससे आप कहीं भी जाने के लिए सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। वुमेन्स को 50% ऑफ भी है। और उसी तरीके से खाटू श्याम के लिए आप सीट रिजर्वेशन बस स्टैंड से ही करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा सीट मिल रही है तो ही बस में चढ़े क्योंकि बहुत रश होती है, ऑलमोस्ट सारा रास्ता खड़े रह के भी जाना पड़ सकता है। अब ये धुंध आपको पूरे खाटू में खाटू श्याम जी के मंदिर के पास हर जगह आपको सुनने के लिए मिलेगी। हम जैसे ही खाटू श्याम पहुंचे वैसे ही ये धुंध की जो शुरुआत हुई है वो वापस वहां से निकलने तक हम बस जय श्री खाटू श्याम हारे के सहारे की जय बस यही सुनते जा रहे थे। हमने कर ली थी ये टुक टुक जो हमें लेके जाएगी मंदिर के पास। रिक्शा हमें जहाँ पे उतारती है वहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता चल के है, जहाँ पर आपको हर तरीके की दुकान मिलेगी, प्रसाद की, फूल मालाओं की, फ़ोटो फ्रेम्स की, झंडों की। और उन दुकान से होते हुए आपको जाना है चलते चलते मंदिर की ओर। और ये हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास और ये मेरे चेहरे पे आप खुशी देख ही सकते हैं।
मैं पहुंची थी उससे एक दिन पहले बाबा जी का बर्थडे था, इसलिए आज रश भी बहुत थी और लोग भी बहुत थे। फिर भी खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से दर्शन तो काफी जल्दी हो गए। बेचारा वो आदमी बोल रहा था कि जूते यहाँ पे उतार लो नहीं तो आधा किलोमीटर वापस चल के जाना पड़ेगा। मुझे लगा पैसे के और प्रसाद बेचने के चक्कर में बोल रहा, बट लेकिन सच है अभी मुझे वापस जाना पड़ रहा है जितना मैं चल के अंदर गई थी अभी दर्शन के लिए उतना, क्योंकि मंदिर के पास से हम जहाँ से अंदर जाते वहाँ से बाहर नहीं आते, तो जूते चप्पल लेके फिर आगे का प्रवास कंटिन्यू करें।